आप लोगों के बीच आने का फिर से मौका मिला है। कुछ दिनों पहले ही हम यहाँ से रोड शो करते हुए गया हम लोग घुसे थे और जिस हिसाब से जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का साथ आशीर्वाद प्यार मिला, इसके लिए हम आप लोगों के कर्जदार हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है, पहला चरण का चुनाव है। हम लोगों ने कुमार सरबजीत जी को, जो पूर्व कृषि मंत्री रहे, जिनके पिता एमपी रहे, एक बड़े समाजवादी नेता रहे, गया के लिए काफी उन्होंने काम किया और टिकट दिया है। नौजवान है, ईमानदार है, काम करते हैं, मिलनसार है, जनता के बीच रहते हैं। इनका बोध गया क्षेत्र देख लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां सड़कें ना बनी हो और पुल ना बना हो। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में इतना विकास किया गया हो, ये सारा सरबजीत जी ने उस इलाके में किया है। और जब आप लोग भारी मतों से जिताइएगा तो पूरे गया के लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी ऐसा नहीं रहेगा जहां सड़क ना बनी हो, जहां पुल ना बने हो, जहां पानी बिजली की समस्या ना हो। आप लोगों के जनहित के मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने ऐसा प्रत्याशी आप लोगों को देने का काम किया है। दूसरी तरफ देखिएगा तो एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतारा है। अभिभावक है जीतन राम मांझी जी, कुछ दिनों पहले हम ही लोग के साथ थे, लेकिन अभी एनडीए में है, उनको उन लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोगों से हम इतना कहने आए हैं कि लगातार डबल इंजन की सरकार 17 सालों से बिहार में है। आदरणीय मोदी जी 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। लगातार एनडीए को आप लोगों ने 15-20 सालों से आप लोगों ने एनडीए का एमपी बनाने का काम किया। यानी ऊपर से नीचे अगर आप लोग देखें, चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, बिहार सरकार 17 साल, भारत सरकार 10 साल, 15-20 साल से यहां का एमपी उन्हीं लोगों का। लेकिन आज अपने दिल में हाथ रख के पूछिएगा कि शिक्षा सुधरी है कि नहीं सुधरी है, चिकित्सा सुधरा है कि नहीं सुधरा है, गरीबी मिटी है कि नहीं मिटी है, महंगाई कम हुआ है कि नहीं हुआ है, बेरोजगारी दूर हुई है कि नहीं हुई है, पलायन रुका है कि नहीं रुका है। आज दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछेगा, यहाँ कितने नौजवान जो हैं बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। माताएं बहनें बैठी हैं, बताइए आपके घर में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिला, कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना यहाँ लोग होंगे जो पलायन करके दूसरा राज्य में मजदूरी करने का काम करता होगा। तो आज गया के लिए हम सवाल पूछने आए हैं कि बताइए मोदी जी ने आपके गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए, आपके जिले के लिए, आपके प्रदेश के लिए मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी आएंगे, हर चुनाव के समय आएंगे, 5 साल में आएंगे, बड़ा बड़ा भाषण करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, एक साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, चीनी मिल चालू करवा देंगे, फैक्ट्री लगवा देंगे, निवेश लगवा देंगे, कारखाना लगवा देंगे, पर्यटन का बढ़ावा के लिए, पर्यटन के लिए काम करेंगे गया जिला के लिए। लेकिन जरा पूछिए कि आपके गांव में ऐसा क्या काम हुआ जो इन लोगों ने किया हो। हमेशा केवल आपको ठगने का काम किया हो। मोदी जी कहते हैं
भाजपा के लोग कहते हैं कि देश का चुनाव है, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं गांव है, पंचायत है, ब्लॉक है, जिला है, प्रदेश है, तब ना हमारा देश बनता है। गांव गांव से पंचायत बनता है, पंचायतों से ब्लॉक बनता है, ब्लॉकों से जिला बनता है, और जिलाओं से प्रदेश बनता है, और राज्यों और प्रदेशों से हमारा देश बनता है। तो जब तक आपका गांव पंचायत विकास नहीं करेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए आप सब लोगों को आए हैं यही बात करने कि ईमानदार लोगों को जब तक आप लोग नहीं चुनिएगा, काम करने वाले को आप लोग नहीं चुनिएगा, तब तक जो है आपके गांव हमारी वैचारिक लड़ाई है। और हम लोग सवाल पूछने का हम लोगों को अधिकार है। हम लोग विपक्ष में हैं और जनता को भी लोकतंत्र में अधिकार है कि मोदी जी से सवाल पूछ सके कि आपने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए, 17 साल बिहार में राज करते हुए, 3-4 बार आपका एमपी यहां से जीता, आखिर मेरे लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया, ये आप लोगों का अधिकार बनता है पूछना। इसलिए मोदी जी की बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। माता बहने नौजवान युवा साथी, माँ बाप बच्चा लोग को पढ़ा लिखा ले रहा है, बच्चा लोग डिग्री ले रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कौन माँ और कौन पिता चाहता है उनका बेटा जो है नौजवान बेरोजगार घूमे? अब बेरोजगार घूमेगा तो शादी ब्याह भी नहीं हो पाता है, नौकरी लग जाएगा तो अच्छा जगह शादी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पिछले बार हमने बिहार विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 17 महीने हम लोगों को मौका मिला, भाजपा को जब लात मार के नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए, हम लोगों ने भाजपा को भगाने के लिए देश भर से नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया, और हमने कमिटमेंट किया कि भाई अब हम सरकार में आ रहे हैं तो आपको 10 लाख सरकारी नौकरी देना पड़ेगा, और इनका 17 साल में एक नौकरी नहीं। लेकिन जब आपका भाई बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बना तो 17 महीने के अंदर हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। बहालियां निकाली जा रही है, हम लोग काम करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर 17 महीने में तेजस्वी अगर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकता है, तो अगर 5 साल अगर आप हमको दीजिएगा तो कितने लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मोदी जी से हम लोग पूछते हैं, आप तो कहते थे साल में 2 करोड़ दीजिएगा, लेकिन बताओ 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हजारों में भी प्रधानमंत्री सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। जहां भी नौजवान भारत सरकार का बहाली निकलता था, सबसे ज्यादा कहां निकलता था? सेना में निकलता था, रेलवे में निकलता था। आज रेलवे को बेच दिया गया, स्टेशन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, निजीकरण कर दिया गया। आजकल बहालियां कहां निकल रही है रेलवे में जो पहले निकला करता था? सेना में अग्निवीर योजना ला करके 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ जब हमारा वही अग्निवीर का सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा, उसको ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, इस तरह का। और 4 साल के बाद नौजवान क्या करेगा, कौन सा काम करेगा? दिन रात मेहनत करके, भागा दौड़ी करके अपना सेहत बनाता है और चाहता है देश का हर एक नौजवान कि अपने देश के लिए हम शहीद होए।
देश की रक्षा करे। लेकिन मोदी जी चार साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला ले आए, ना शहीद का दर्जा ना कुछ। अभी भी मिलिट्री भाइयों को जो सीआरपीएफ के सब लोग हैं, उन लोगों को भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हम लोगों की लड़ाई है कि हम लोग इन सब लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। अगर आप हम लोगों का साथ दीजिएगा तो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आप लोगों को देने का काम करेगा। चाचा जी पलट गए, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन अब चाचा जी से बिहार चलने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से बोल रहे हैं कि हमको प्रचंड बहुमत दे दीजिएगा तो हम देश का संविधान बदल देंगे। हमने वो वीडियो भी ट्वीट करके सोशल मीडिया में फेसबुक पे दिखाने का काम किया। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री लोग बैठे हैं, प्रेम कुमार जी बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि हमारे नेता ने गलत बोला। मांझी जी ने भी नहीं बोला कि देश को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, उसी का वोट मोदी जी को चाहिए। आप समझिए क्या चाल है, क्या षड्यंत्र है। देश का संविधान खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आप फिर से गुलाम बनोगे और वो लोग राजा बनने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि आप सब लोग रहिए। असली हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, असली हमारा दुश्मन महंगाई है, असली हमारा दुश्मन पलायन है, असली हमारा दुश्मन भूखमरी है, असली हमारा दुश्मन गरीबी है। लेकिन मोदी जी इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, खाली लालू जी के गाली देते हैं। अरे मोदी जी जब लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को देने का काम किया। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो बिहार में 3-4 कारखाना रेलवे का पहिया कारखाना देने का काम किया। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो हर बजट में भाड़ा कम किया। आज रेलवे का टिकट और लालू जी के जमाने में टिकट का अंतर कितना है। पहले प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था 3 रुपया, आज मिलता है 50 रुपया। आज ट्रेन का टिकट भी कटाना हो तो 3-4 गुना महंगा हो गया। लेकिन लालू जी के राज में असल में गरीबों का सफर, हम सफर सफर करने वाला एक ही चीज था रेलवे, उसको भी निजी के हाथों जो है इन लोगों ने बेचने का काम किया। अरे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो देश भर में सारे कूलियों को परमानेंट किया। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो आप सब लोग जानते हैं देश विदेश से हार्वर्ड से लेके एनसीआर विश्वविद्यालय के लोग लालू जी से सीखने आते थे कि कैसे इतना मुनाफा हुआ लालू जी रेलवे को। लेकिन आज रेलवे का बजट भी नहीं आता है क्योंकि रेलवे को बेच दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया। ये लोग हम लोगों को बताएंगे कि काम कैसे होता है। हम लोग गरीब के बारे में सोचते हैं, अगर कोई यहाँ लोग सोचता है। लेकिन एक बात तो है, गया में लोग यही बोल रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट इस बार नीमन नहीं है। लोग यही बोल रहा कि अच्छा कैंडिडेट तो सरबजीत जी है। अब भाजपा वाला लोग बोलता है वोटर को बहलाने के लिए कि ऊपर देख के वोट दीजिए, ऊपर देख के वोट दीजिए। अरे मोदी जी नीचे गरीब को देखते हैं, जो ऊपर देख के लोग वोट देगा। क्या बात है, मोदी जी कभी भी मुंह में से सुने हैं हम आएंगे तो ही करेंगे। अभी आए हैं बिहार दोबारा, बोलिए तीसरा भी फिर आने वाले हैं, चौथा बार आएंगे, 15 बार 16 बार आएंगे। लेकिन हिसाब लीजिएगा ना आप लोग। मोदी जी बताओ बिहार के लिए क्या किया, किसको नौकरी दे रहे हैं, महंगाई के लिए काम किया। यही महंगाई पहले भाजपा वालों गाना गाते थे, महंगाई डाइन खाई जाता है,
पहले महंगाई इस तरह के दाइन लौकती थी, अब महबूबा भाव जाए लौक लिया महंगाई। गैस कितना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर 1200-1300 कहां से कमाएगा, परिवार में एक आदमी बीमार पड़ जाएगा तो दवा कितना महंगा हो गया है, कहां से पढ़ाइएगा, दवा कराइएगा और क्या खाइएगा, हर चीज महंगा हो गया। लोग बोलते हैं, अभी कई वक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी आए हैं तो 5 किलो राशन मिला है। अरे हम लोग को मौका दीजिए 5 किलो के साथ सरकारी नौकरी और रोजगार भी देने का काम करें, महंगाई भी कम करें। यह बात करते हैं मोदी जी, कांग्रेस के जमाने से राशन मिल रहा है, तेल मिलता था, किरासन तेल मिलता था, सीधी दमक मिलता था, सब मिलता था, कभी बंद हुआ है? कोई भी सत्ता में आएगा तो राशन बंद करेगा। अब मोदी जी बोलते हैं गरीबी खत्म कर दिए तो 80 करोड़ लोगों को आप कहे अनाज बांट रहे हो भाई? जब गरीबी खत्म हो जाती है तो अनाज बांटने की जरूरत नहीं होती। तो मोदी जी 80 करोड़ गरीबी को नहीं मिटाया है। अरे मोदी जी, कुछ लोग यहाँ मीडिया के लोग हैं, हम लोगों के कुछ लोग, सब लोग बेईमान नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया के लोग डर से, लालच से दिन भर मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हैं। मोदी जी समुद्र में डुबकी मारेंगे तो कैमरामैन बोलेगा, मीडिया वाला बोलते देखो प्रधानमंत्री समुद्र में डुबकी लगा रहा। मोदी जी गुफा में जाके बैठ जाएंगे तो बोलेगा देखो मोदी जी गुफा में बैठ गए। मोदी जी जहाज में बैठ जाएंगे तो बोलेगा देखो मोदी जी जहाज में बैठ गए। मोदी जी कुछ करेंगे, चीता मंगवा करके खड़ा होकर फोटो लेंगे तो बोलेगा कि देखो मोदी जी ने चीता मंगाया, कितना बढ़िया काम मेरे भाई, क्या भला है कम हुआ से, आप लोगों को भला है क्या, ऐसे ही भला चाहिए। मंदिर में जाएंगे लोट पोट हो जाएंगे, अगर ऐसे ही भला तो चलिए हम लोग सब लोग मंदिर में बैठे रहते हैं, निकलबे नहीं करते, क्या बात है, हिंदू मुसलमान करके दंगा फसाद कराने वाली बात है। हमको बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के नहीं है, अब बिहार आकर के नवादा में बोले थे जय छठी मैया, अरे जब हम बुतरू थे तब से हमारी माई छठ मनाते आई, हम क्या, मेरी बड़ी बहन शादी के बाद से 75 से मेरी माँ छठ मनाती है, नवरात्रि रखते हैं, लालू जी जैसा कोई होली खेलता था, अब बोलता है कि हम लोग सनातन धर्म नहीं, धर्म के राजनीति मन में होना चाहिए, साफ मन में होना चाहिए। भगवान तो हर जगह कण कण में है, अभी भी है, कहीं भी है, लेकिन दिन रात गलत काम कीजिएगा, रात में राम राम रपिट लपटिएगा तो भगवान भला करेंगे, भला भी है भगवान करेंगे तो अच्छे लोगों का ना करेंगे, जो ईमानदार है साफ सुथरा है, दिन भर बेईमान लोगों को नहीं ना साथ दे। खैर जो भी बात है इस पे हमको ज्यादा टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना। हम सब लोग जानते हैं कि यही गया में जब हम पर्यटन विभाग के मंत्री थे, इन्हीं का मांग था विष्णु प्रसाद जो मंदिर है और जो घाट वाट है उसके लिए अभी पूरा फ्लाईओवर अलग से व्यवस्था बन रहा है, एंट्री एग्जिट का बन रहा है, वहां हम लोगों ने इतना पैसा दिया, सब जगह हम लोगों ने काम कराया, मेडिकल कॉलेज सीता जी के नाम पे बनाया, तो इसलिए इन लोगों के बातों में चक्कर में नहीं पड़ना है, मुद्दे की बात करनी है, काम की बात करनी है, जिससे बिहार का आप लोगों का तरक्की हो, आप लोगों का भला हो। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए मिलेगा ना, सरबजीत जी को जिताइए ना। और देखो भाई आप सब लोगों से यही अपील है, सब एक एक व्यक्ति जो है 10-10 वोट बनाने का काम करे, और पहला नंबर पर ईवीएम में पहला नंबर पर लालटेन है, आप लोग लालटेन पर बटन दबाइए और सरबजीत जी को जिताइए।
चुपचाप ललटेन छा, क्या चुपचाप 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 गया की जनता, गया की जनता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। गौतम मांझी।